गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका सभी का स्वागत है फ्लेक्सिबल लेवल ट्रबल शूटिंग चैनल पे वापस एक बार। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं जहाँ पे काम कर रहा था वो कंपनी के पॉलिसी में नहीं था कि मैं कोई भी सोशल मीडिया पे मेरा अपना वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली मैंने कंपनी लीव कर दी है तो अभी वापस मैं मेरे चैनल पर फोकस करने वाला हूँ। आज आप सभी को मिलते मुझे आनंद हो रहा है, या मेरा वीडियो वापस में शेयर करते मुझे भी आनंद हो रहा है कि मेरा चैनल मैं वापस ग्रो कर पाऊँगा। जो सभी आप लोग मेरा वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी कमेंट्स आए थे मुझे कि सर काफ़ी दिनों से आपका वीडियो नहीं आया, और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे मेरे चैनल पे, मैं जिनका जवाब नहीं दे पाया रहा था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो अभी से ये अपना वापस चैनल चालू हो चुका है और ये यूट्यूब चैनल जो है मेरा फ्लेक्सिबल लेवल ट्रबल शूटिंग, इसको मैं वापस से चालू कर रहा हूँ। और मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग आप सभी को बता दिया था कुछ 15 to 21 days पहले कि वी विल कम बैक करके, और वो वही कमिटमेंट के हिसाब से आज मैं आपको सामने ये वापस वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी हम लोग ने जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं और जो भी मेरे सीनियर्स हैं और जो भी मेरे जूनियर्स हैं, हम सभी ने मिलकर अभी एक कंसल्टेंसी का काम चालू किया है जिसमें हर तरह का कंसल्टेंसी है, आपका रिक्वायरमेंट से लेके आपका ट्रबल शूटिंग से लेके आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, फ्लेक्सिबल लेवल ट्रबल शूटिंग जो मेरे चैनल का नाम है उस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग है जो भी है, वो सारे हम लोग उसमें कवर करेंगे। कवर इन द सेंस हम लोग ने पेड सर्विस चालू किया हुआ है। अगर आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी इश्यूज है, या किसी प्रोडक्ट को आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपके पास प्रॉब्लम है, या आपने उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत ली है लेकिन आपको सक्सेस 100% नहीं मिल पा रहा है, इंक्स हो, एडेसिव्स हो, सब्सट्रेट सिलेक्शंस हो, जो भी हो, प्रोडक्ट सिलेक्शंस हो, जो भी हो, सभी के रिगार्डिंग हम लोग ने अभी वर्कआउट चालू किया है। अभी ऑलरेडी हम लोग ने टीम जनरेट की है अलग अलग रीजन के लिए, और वही रीजन पे हम लोग काम करेंगे। किसी भी कंपनी में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, रिक्रूटमेंट का डिफ़िकल्टी हो कि उनको अच्छे ऑपरेटर नहीं मिल पा रहे, या फिर उनको अच्छे मैनेजर्स नहीं मिल पा रहे, या अदर कोई इश्यूज़ है रिक्रूटमेंट की तरफ से, वो भी हम लोग उसमें कवर करेंगे। लेकिन ये सारी पेड सर्विस होंगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारी पेड सर्विस होंगी। और उसके बाद में आपके प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, ट्रबल शूटिंग्स है जो आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका ऑर्डर सटका पड़ा हुआ है वो सक्सेस के रिगार्डिंग, या फिर कस्टमर को जो सैंपल भेजा हुआ अप्रूव नहीं हो पा रहा है रिगार्डिंग कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो जो भी ट्रबल शूटिंग्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के लिए हम लोगों ने अभी ये कंसल्टेंसी सर्विस चालू किया है जिसका नाम भी वही होगा, फ्लेक्सिबल लैमिनेट ट्रबल शूटिंग। तो उसमें आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वो है, जो भी अदर अदर डिफेक्ट्स है, या जो भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, या प्रोडक्ट सिलेक्शन है, या प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स है, या आप प्रोडक्ट को समझ नहीं पा रहे, या आपने बहुत सारा ट्राई कर लिया लेकिन वो उसमें आप सक्सेस नहीं पा रहे हो, तो सारे के रिगार्डिंग हम लोग ने वो जो भी उसका कंसल्टेंसी रहेगा वो हम लोग पेड सर्विस में अप्लाई करेंगे। और होपफुली मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने एजुकेट किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार भी दिया उसी हिसाब से कि सर आपने ये समझाया, आपने वो समझाया। डाउन द लाइन तो मैंने सभी को किस तरह से कैलकुलेशन होता है, क्या क्या करना चाहिए, ट्रबल शूटिंग क्या है, क्या क्या होना चाहिए, वो सारा मैंने मेरे वीडियो में बता दिया था। और भी इसके आगे मेरे वीडियो आते जाएंगे और उसमें मैं और भी सारा आपको अपडेट करते रहूँगा किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो कैसे डिफेक्ट फ्री हो, 100% डिफेक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, QA क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगा। प्रिंटिंग रिलेटेड डिफेक्ट क्या होगा वो भी उसमें क्लियर करूँगा, लैमिनेशन के रिलेटेड डिफेक्ट क्या होगा वो भी उसके अंदर क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें मैं उसके अंदर कवर करूँगा। लेकिन उसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी हम लोगों ने ये कंसल्टेंसी जो चालू किया है उसके अंदर हम लोग सभी तरह की आपको सेवाएं प्रदान करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, आपके मशीन के रिलेटेड हो, किसी को नया प्लान डालना हो, या उसको मशीन सिलेक्शन हो, उनका क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स है, उसको कैसे फुलफिल करें, मार्केट स्टडी कैसे करें, मार्केट एनालिसिस कैसे करें, वो सारे रिगार्डिंग हम लोग उसमें जो भी उनको कंसल्टेंसी लगेगी या जो भी उनको एडवाइस लगेगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये पेड सर्विस होगी, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, पेड सर्विस होगी, अभी फ्री नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो उसका वैल्यूएशन नहीं होता, और मेरा जो हमारा पेड सर्विस रहेगा वो इतना क्या हाईली कॉस्टली नहीं रहेगा, आपके रिगार्डिंग ही रहेगा, जो भी आपका ट्रबल शूटिंग रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास से वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है मेरे कम्युनिकेशन के बाद भी, तो हम लोग विजिट भी करेंगे लेकिन विजिट का भी चार्ज होगा, वो सारे उसी में कवर होंगे। जो भी मतलब आपके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके प्रोसेस के रिगार्डिंग है,
वो सारे के हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक टेक्निकल टीम हायर किया हुआ है, हायर इन द सेंस वो सारे मेरे से जुड़े हुए हैं और वो वही चाहते हैं कि सर इसमें से कुछ अच्छा निकले। बहुत सारे पैकेजिंग इंडस्ट्री को, बहुत सारे फ्लैक्स इलेवन इंडस्ट्री को बहुत सारे ट्रबल शूटिंग से, बहुत सारे प्रॉब्लम से, जो अभी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। और ऐसे बहुत सारे आपको शातिर खिलाड़ी मिलेंगे जो आपको मिसगाइड कर देंगे, लेकिन आपको चुनना है कि उसमें से सही कौन है गलत कौन है। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग ने अभी ये कंसल्टेंसी सर्विस चालू किया हुआ है और उसमें मेरे साथ 4 जन जुड़े हुए हैं जो कि इस पैकेजिंग इंडस्ट्री से, मतलब मार्केटिंग से लेके, आपका मैंने मेरे वीडियो में बता दिया था, और भी इसके आगे मेरे वीडियो आते जाएंगे और उसमें मैं और भी सारा आपको अपडेट करते रहूँगा किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो कैसे डिफेक्ट फ्री हो, 100% डिफेक्ट हो। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, QA क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगा। प्रिंटिंग के रिलेटेड डिफेक्ट क्या होगा वो भी उसमें क्लियर करूँगा, लैमिनेशन के रिलेटेड डिफेक्ट क्या होगा वो भी उसके अंदर क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें मैं उसके अंदर कवर करूँगा। लेकिन उसमें मैं डेप में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी हम लोगों ने ये कंसल्टेंसी जो चालू किया है उसके अंदर हम लोग सभी तरह की आपको सेवाएं प्रदान करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, आपके मशीन के रिलेटेड हो, किसी को नया प्लांट डालना हो या उसको मशीन सिलेक्शन हो, उनका क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स है, उसको कैसे फुलफिल करें, मार्केट स्टडी कैसे करें, मार्केट एनालिसिस कैसे करें, वो सारे रिगार्डिंग हम लोग उसमें जो भी उनको कंसल्टेंसी लगेगी या जो भी उनको एडवाइस लगेगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये पेड सर्विस होगी, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, पेड सर्विस होगी, अभी ये फ्री नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो उसका वैल्यूएशन नहीं होता, और मेरा जो हमारा पेड सर्विस रहेगा वो इतना क्या हाईली कॉस्टली नहीं रहेगा, आपके रिगार्डिंग ही रहेगा। जो भी आपका ट्रबल शूटिंग रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास से वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है मेरे कम्युनिकेशन के बाद भी, तो हम लोग विजिट भी करेंगे, लेकिन विजिट का भी चार्ज होगा, वो सारे उसी में कवर होंगे। जो भी मतलब आपके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके प्रोसेस के रिगार्डिंग है, वो सारे के हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक टेक्निकल टीम हायर किया हुआ है, हायर इन द सेंस वो सारे मेरे से जुड़े हुए हैं और वो वही चाहते हैं कि सर इसमें से कुछ अच्छा निकले। बहुत सारे पैकेजिंग इंडस्ट्री को, बहुत सारे फ्लैक्स इलेवन इंडस्ट्री को बहुत सारे ट्रबल शूटिंग से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो अभी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। और ऐसे बहुत सारे आपको शातिर खिलाड़ी मिलेंगे जो आपको मिसगाइड कर देंगे, लेकिन आपको चुनना है कि उसमें से सही कौन है गलत कौन है। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग ने अभी ये कंसल्टेंसी सर्विस चालू किया हुआ है और उसमें मेरे साथ 4 जन जुड़े हुए हैं जो कि इस पैकेजिंग इंडस्ट्री से, मतलब मार्केटिंग से लेके, आपका ट्रबल शूटिंग से लेके, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से लेके प्लांट सेटअप तक सारे जुड़े हुए हैं। और ये सारे बहुत ही अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में, और इन्होंने भी यही सोचा है कि कुछ अच्छा करें अभी, क्योंकि अभी सभी का क्या है उद्दिष्ट, यही होता है कि आगे चल के कुछ अच्छा हो, क्योंकि पैकेजिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है और आने वाले सालों में और वो बढ़ते जाएगा। आज के जनरेशन में क्या है कि सभी जन बाहर जाने की सोच रहे हैं कि यहाँ जॉब मिल जाए, वहाँ जॉब मिल जाए, लेकिन हमारे इंडिया में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हैं जिसको आप हायर कर सकते हो। मेरे पास खुद के पास आज की तारीख में ओवरसीज के और इंडियन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी ज़्यादा है, और जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहेगा वो ऑलवेज वेलकम रहेगा। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो भी डायरेक्टर्स लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचाएं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो भी ट्रबल शूटिंग रहेंगे, या किसी को नया प्लान डालना है, कुछ सेटअप करना है, तो उसमें हम लोग सारे आपके हेल्प कर देंगे। ये आज मेरा काफ़ी दिनों का पहला वीडियो रहेगा, इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, और भी हम लोग पुराने जैसे वापस मिलते रहेंगे वीकली। और यही आशा है कि आप मेरे चैनल को वापस सब्सक्राइब करना चालू करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और ये मेरा वीडियो देखने के बाद जिनको अच्छा लगे वो लाइक करेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी मैं सॉर्ट आउट करूंगा, उसको मैं अलग तरह से आपको गाइड करते जाऊंगा कि उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि मेरा जब चैनल शुरू हुआ था उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा था, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, हमको कैसे सॉर्ट आउट करना है। मैंने कभी भी किसी को मतलब पेड सर्विस के बारे में नहीं बोला, जो भी हो सकता है मेरे से मैंने हेल्प किया है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर भी किया, मेरा क्वेश्चन एंड आंसर जो लास्ट वीडियो था मेरा, जब मैंने चैनल को डिसकंटिन्यू किया था और आज वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसमें जो भी जिनके भी क्वेश्चन थे सारे के आंसर मैंने दिए थे। उसके बाद मैं कुछ साल तक मैं इस चैनल को नहीं देख पा रहा था, इन द सेंस मैं कुछ वर्कलोड ज़्यादा था और वर्क में बिजी था, कंपनी की कुछ पॉलिसी थी उसके रिगार्डिंग मैं इसको नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी इसके आगे वीकली मेरा एक वीडियो आएगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मैं उसमें से जो भी अच्छा बेटर होगा
जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का मैं 100% कोशिश करूंगा। हमारे कंसल्टेंसी सर्विस में आपको बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी, मतलब आपके ट्रबल शूटिंग से लेकर आपका सेल्स तक जो भी है, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, प्लांट में किस तरह से मशीनरी बढ़ानी है, किस तरह से ये करना है। मैंने आज खुद के, मतलब जहाँ जहाँ मैंने कंपनी में काम किया है उनका ग्रोथ रेट है जो बहुत अच्छा रहा है, और जिनके लिए मैं अभी भी काम करूँगा उनका भी ग्रोथ रेट अच्छा ही रहेगा, ये भगवान से आशा करता हूँ। और जो मेरा नॉलेज है मैं आप सभी के साथ शेयर करते रहूँगा, और आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए या आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं हमेशा, मेरा एक ये रहेगा कि मैं आपको हमेशा हेल्प करते रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी से वॉच करते रहना कि अपनी नई वीडियो कब आएगी, और वापस हम लोग पुराने सारे वापस मिलेंगे और वापस उसी तरह से चालू करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे आप मुझे पर्सनल पे शेयर कर सकते हो, इस वीडियो के लिंक में या कमेंट में आप उसमें डाल सकते हो, मैं से जितना हेल्प हो सकता है मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद, आपने सभी ने वापस मुझे सुनना पसंद किया, जिन्होंने वीडियो देखा उनके लिए भी धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया और नहीं देखा उनके लिए भी धन्यवाद। सभी से ये आशा है कि जल्दी से जल्दी चैनल कैसे ग्रो करें, और जल्दी से आपके जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें उसके ऊपर फोकस करें। धन्यवाद अगेन एंड अगेन, थैंक यू।